नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल और अलौकिक साधनाएं। अलौकिक साधनाएं भी हमारा एक चैनल है, उस पर भी आप थोड़ी नजरें इनायत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, अपने पास रखिए ताकि हमारे बढ़िया बढ़िया वीडियोस पर भी आते रहते हैं और आपके पास तत्काल पहुंच जाए, आप भी जन कल्याण का कार्य कर सकें, अपना और देश दुनिया का बड़ा कर सकें। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताता हूं जो तंत्र क्षेत्र में बहुत उच्च कोटि की मानी जाती है। जिनको भी तांत्रिक क्रियाओं में भाग लेना होता है, तंत्र क्रियाओं में जानकारी अर्जित करनी होती है, अच्छा तांत्रिक बनना होता है, उनको ऐसी साधनाएं करनी होती है और वो करती ही है। जिन्हें वाम मार्ग की साधनाओं में रुचि होती है, शमशान आदि की साधनाओं में रुचि, वैसे तो शमशान की कोई साधना होती ही नहीं है, शमशान की जो चीजें होती है वो अधिकतर तो भोग पर चलती है, मंत्र का उनमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता, बस मंत्र होना चाहिए आह्वान के लिए, बुलाने के लिए, बाकी शमशान की जितनी भी साधनाएं होती है सब वो शक्तियां होती है, भोग पर ही निर्भर होती है और उनको भोग देते रहना पड़ता है, तब वो शक्तियां आपके एक आदेश के आधार पर कोई भी काम कर सकती है। दोस्तों, योगिनियों की जितनी भी साधना होती है, योगिनियों की साधना अधिकतर तो प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, कुछ साधनाएं हैं जो दिन में सूर्य निकलने के बाद की जाती है, लेकिन एक साधना ऐसी है जिसे वज्र योगिनी के नाम से जाना जाता है, उनकी साधना जो है वो सिर्फ रात्रि काल में की जाती है और शमशान में की जाती है। यह साधना इतनी उग्र है कि इसको घर में करना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इनके आने का वेग इतना तगड़ा होता है कि आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं जो खराब हो जाएगी, आपकी घर की ऊर्जा खत्म हो सकती है, खराब हो सकती है, देवी देवता आपके घर से छोड़ करके निकल सकते हैं, क्योंकि ये एक तामसिक शक्ति है और इनके आने से सात्विक जितने भी देवी देवता हैं वो घर में नहीं रहते, इनमें मुर्दों की बास आती है। जब देवी सामने प्रकट होती है तब ऐसा लगता है कि कई मुर्दे इनके अंदर जल रहे हैं, शरीर के अंदर कई मुर्दे जल रहे हैं। जब ये सामने प्रत्यक्ष में प्रकट होती है, कई लोगों के सामने जो साधक होते हैं उनके सामने प्रत्यक्ष में प्रकट हो चुकी है, जब ये प्रत्यक्ष में प्रकट होती है तो इनके एक हाथ में त्रिशूल रहता है, तलवार रहती है, खप्पर रहता है जिसमें खून रहता है भरा हुआ, और उनके पूरे शरीर में मुर्दे की बदबू आती है। इस बदबू या बास कुछ भी को मुर्दे की जलने की उनमें से बू आती है। जब भी आप साधना करो, मुर्दे की जलने की बू आपके आसपास आना शुरू हो जाए, आप समझ जाना कि देवी आपके आसपास पहुंच चुकी है, आ चुकी है, अब आपकी साधना एकदम ट्रैक पर है। साधना में सबसे पहला सूत्र तो यह है कि आपको इतना मजबूत सुरक्षा घेरा चाहिए। एक मजबूत सुरक्षा घेरा पहले तय करके, देह रक्षा पहले तय करके, आसन बंधन पहले तय करके, अच्छी तरह से मजबूती से फिर इस साधना में बैठे और माँ काली का आशीर्वाद लेकर के बैठे। साधना के एक दिन पहले जो रविवार आए या शनिवार आए, उस दिन सुहाग सामग्री है, लाल बिंदी, लाल सब कुछ, लाल लिपस्टिक वगैरह सब कुछ लेकर के, और मीठा पान, पान का बीड़ा, हाँ, लौंग, इलायची, ये सब लेकर के, प्रसाद लड्डू वगैरह भोग लेकर के माँ काली के मंदिर जाएं और उन्हें कहें कि माँ, मैं वज्र योगिनी की साधना करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मुझ पर कृपा करें और मुझे वज्र योगिनी की सिद्धि प्रदान करें। अब अपने देवी देवताओं को अच्छी तरह से पहले मना लें, पितरों को, कुल देवता को, उसके बाद में आप इस साधना में प्रवेश करें, क्योंकि आपको इस साधना में बहुत दमखम की जरूरत पड़ने वाली है। ये साधना, वज्र योगिनी की जो साधना होती है वो कई प्रकार की होती है और तीन प्रकार से इनकी साधना प्रमुख मानी जाती है। इनकी साधना जितना जल्दी करना चाहते हो, ये 3 दिन में साधना हो जाती है और 51 दिन में भी साधना हो जाती है। 3 दिन में वो आदमी साधना कर सकता है जिसने बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं पहले कर रखी हो और उसके अंदर किसी भी साधना को ऑब्जर्व करने की ताकत पहले से मौजूद हो, सिर्फ वही आदमी 3 दिन में कर सकता है। वरना वज्र योगिनी का वेग इतना तेज होता है कि जो आदमी 3 दिन में इसे सिद्ध करना चाहता है उसके आने से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। मारती वज्र योगिनी नहीं है, उसके आने की गति से जैसे कोई भयंकर तेज ट्रेन आती हो और आप उसके एकदम करीब खड़े हो तो वहां आपकी मृत्यु हो सकती है। उसकी हवा के फटकार से आप उछल के दूर भी जाके गिर सकते हो, उसके अंदर भी गिर सकते हो, मृत्यु हो सकती है ना, ट्रेन थोड़ी मारती है किसी को, मरते तो आदमी खुद है ट्रेन के सामने जाके। तो उसी तरह से वज्र योगिनी किसी को नहीं मारती, लेकिन उनके आने का वेग हजारों जो आपकी बुलेट ट्रेन होती है उससे भी कई गुना तेज होता है और उस वेग से आदमी की मृत्यु हो सकती है। उस वेग को सहन करने की ताकत जिस आदमी में हो, जिस साधक में हो,
वही आदमी 3 दिन की साधना कर सकता है, वरना आपको लंबी साधना करनी चाहिए। ताकि क्या होता है, लंबी साधना करने से साधना का जो स्पीड होता है ना वो कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, तो जब धीरे धीरे बद्री योगिनी आपके सामने प्रकट होती है तो आप आसानी से उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हो, सहन कर सकते हो। ये तो बात हुई बद्री योगिनी के आने की या उनकी वेशभूषा की। बद्री योगिनी एकदम नग्न रहती है, उनके शरीर पर कोई भी प्रकार का वस्त्र नहीं रहता और ऐसा लगता है जैसे हड्डियों का ढांचा जो है वो आपके सामने खड़ा है, इस प्रकार की बद्री योगिनी होती है। लेकिन इनकी साधना करता क्यों है कोई आदमी? तंत्र में उच्च कोटि की सफलताएं प्राप्त करने के लिए वज्र योगिनी कि जितनी भी तामसिक शक्तियां आपको तत्काल जोड़ देगी उनसे, तत्काल इधर वज्र योगिनी के दर्शन हुए, उनसे आशीर्वाद मिला और जितनी तामसिक शक्तियां, फिर आप कोई भी शक्ति हो, गंगाराम अगोरी, मनसाराम अगोरी, किन्नाराम अगोरी, कोई भी अगोरी हो, बड़े बड़े शेवड़े हो, अगोरी हो, महातांत्रिक हो, महाशमशान की महासा भानुमती की साधना हो, केगामती की हो, कोई भी साधना हो, शमशान की जितनी भी साधनाएं होती है सब देवी शमशान के देवताओं से, देवियों से आपको जोड़ देती है। बस फिर साधना में बैठने की देर है, अगले वाली साधना आपको प्रत्यक्ष होने में कोई देर नहीं लगेगी। इसलिए वज्र योगिनी की साधना इतनी जोरदार होती है। दूसरी ये साधना इसलिए होती है कि क्या होता है कि शमशान की जो साधनाएं होती है उन साधनाओं में इतनी हीट होती है, इतनी गर्मी होती है कि आदमी जब साधना में बैठता है तो उसका वीर्य पात हो जाता है। स्त्री भी बैठती है तो स्त्री के भी बिना संभोग के स्त्री का स्खलन हो जाता है, तो स्खलन हो जाने से या वीर्यपात हो जाने से आपकी साधना वहां भंग हो जाती है और जो शमशान के देवता होते हैं वो आपको दोषी मान करके दंडित करते हैं। लेकिन वज्र योगिनी की साधना कर लेने के बाद में यदि आप पुरुष हो और अप्सराएं जो अप्सराएं परियां हैं वो भी नग्न आके आपकी गोद में बैठ जाए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यदि स्त्री हो और कामदेव के समान सुंदरतम पुरुष भी आपके सामने खड़ा हो और आप नग्न हो वो भी नग्न हो तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ब्रह्मचर्य लेस मात्र भी खंडित नहीं होगा, इतना ब्रह्मचर्य आपके भीतर पैदा हो जाएगा। इसलिए इस साधना को वज्र योगिनी की साधना भी कहते हैं। वज्र योगिनी का मतलब यह होता है कि आपके अंदर वज्र जैसा मनोबल पैदा कर देती है, वज्र जैसा ब्रह्मचर्य पैदा कर देती है, इसलिए इस साधना का नाम वज्र योगिनी है। यह साधना अपने आप में बड़ी उच्च कोटि की साधना है, इससे मारण, मोहन, उच्चाटन, आकर्षण सब प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, अच्छे भी किए जा सकते हैं, बुरे भी किए जा सकते हैं। लेकिन बुरे काम करने वालों की यह साधना ज्यादा दिन तक चलती नहीं और वो साधना वज्र योगिनी वापस छीन लेती है, फिर उसे ऐसे छोड़ देती है, वो किसी काम का नहीं रहता, अंत में बीमार होकर के मर जाता है। जो आदमी अच्छे कर्म करता है, देखिए साधना चाहे कोई भी हो उसका कोई मतलब नहीं है, तामसिक हो, राजसिक हो, सात्विक हो, वाम मार्गी हो, वैदिक हो, कोई भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। आप अगर काम अच्छे करोगे तो आपके लिए शमशान की, भूत की, प्रेत की, पिशाच की साधनाएं भी अच्छा काम करेगी, आपको आशीर्वाद दे करके जाएगी और आपका बंधन नहीं होगा, आप उससे बंधोगे नहीं, अगले जन्म में भी आप आराम से उनको छोड़ करके अगला जन्म ले सकते हो, मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, वो साधना आपको बांध के नहीं रखेगी। लेकिन यदि बुरे काम करते हो तो बुरे काम की चेष्टा आपके स्वार्थ पर डिपेंड होती है और स्वार्थ के विचार आते ही आप उस साधना से बन जाते हो, फिर अगला जन्म लेना आपके बस की बात नहीं होती, क्योंकि इतनी हीट आपके अंदर पैदा हो जाती है कि वो कोई भी कोख आपको धारण नहीं कर सकती, आप जिस कोख में जाते हो जबरदस्ती आप गिर जाते हो, जिस कोख में जाते हो वो कोख आपको ऑब्जर्व नहीं कर पाती और आपको अपने से बाहर फेंक देती है, आप उस कोख में टिक नहीं पाते, वो कोख आपको संभाल नहीं सकती, इसलिए दूसरा जन्म लेना भी आपके बस की बात नहीं होती। इसलिए अच्छे काम करोगे तो साधना आपको बांधेगी नहीं, सकती आपको बांधेगी नहीं, सकती कहेगी इसने परोपकार के काम किए, इसको बांधने की कोई जरूरत नहीं, ये परोपकारी है, ये समाज में जीता है, समाज को साथ लेके अपने अंदर समाज को डाल करके जीता है, इसलिए इसको बांधने की कोई जरूरत नहीं। इस प्रकार से यदि आप साधना करोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आप वज्र योगिनी की साधना करोगे कैसे, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों मैंने पहले बता दिया कि वज्र योगिनी कौन होती है, किस प्रकार से इनकी साधना होती है, किस प्रकार से इनका चरित्र होता है, क्या दिखते हैं, क्या नहीं दिखते, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अब साधना कैसे कर सकते हैं वो जरा जान लीजिए। वज्र योगिनी की साधना किसी भी अमावस्या के दिन से या कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन से साधना शुरू होती है। रात्रि काल में 12 बजे ये साधना होगी और ये साधना शमशान घाट में होगी। ऐसा शमशान घाट जिसमें लगभग चिताएं जलती रहती है, उस शमशान घाट में आप साधना करो। साधना काल में आपको 108 मंत्रों का जाप करना पड़ता है और 108 ही हवन करने पड़ते हैं, 108 आहुतियां देकर। किससे? दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके चिता की जो लकड़ियां होती है उन लकड़ियों को जला करके ही आप हवन करोगे
और उसी उसमें काले तिल, सफेद तिल, ऐसी बहुत सी चीजें होती है, कुछ सामग्रियां होती है हवन की, वो सारी सामग्रियां इकट्ठा करके उससे हवन करोगे। साधना के पहले दिन और आखिरी दिन देवी को भोग देना पड़ता है। वो भोग क्या देना पड़ता है मैं सुन लो जरा। आपको कहीं से भी बकरे का खून लाना पड़ेगा, बकरे का हो, मुर्गे का हो, किसी का भी हो, खून लाना पड़ेगा। वो खून एक खप्पर में भर करके आप जिधर बैठते हैं उसकी दाहिनी तरफ वो खून रख करके वो भोग देना पड़ेगा। मांस देना पड़ेगा, कलेजी, कलेजी का टुकड़ा हो कोई भी, वो मांस देना पड़ेगा। शुद्ध देशी मदिरा देनी पड़ेगी, लड्डू देने पड़ेंगे, लौंग देने पड़ेगी, इलायची देनी पड़ेगी, पान का बीड़ा देना पड़ेगा। ये सब चीजें हैं आपको देवी को भोग में देनी पड़ेगी। और फूलों की माला आपको चढ़ानी पड़ेगी पहले दिन भी और आखिरी दिन भी, अपनी अपने पास रखना, जब देवी आए तब उनको ये सब चीजें आपको देनी पड़ेगी। अब आपको रुद्राक्ष की माला से या फिर नरमुंड की माला से आपको जाप करना है, 108 मंत्रों का जाप करना है और 108 ही आपको अलग से फिर आहुति देनी है। दोनों काम आपको करने हैं, ज्यादा कुछ नहीं, आपको संकल्प पूर्वक ये साधना करनी है। और माँ वज्र योगिनी देवी, मैं आपकी साधना करना चाहता हूं, उस पर कृपा करें और मुझे अपना अभय वरदान प्राप्त करें, वरदान दें। इस प्रकार से आप संकल्प करके, जो भी आपका नाम, कुल, गोत्र, जाति वगैरह बोल करके आप संकल्प लेकर के फिर इस साधना को आप शुरू करेंगे। खप्पर आपके पास होना चाहिए, खप्पर पहले से तैयार रखें, कोई भी खप्पर हो, समुद्री नारियल का खप्पर हो या फिर कुल्हड़ का खप्पर हो या फिर वो जो खप्पर मिलते हैं बाजार में, वो कोई खप्पर लेके आना, वो खप्पर आप सिद्ध करके अपने पास रखना पहले। उसी खप्पर में आपको खून देना, ये दो बार देना, आखिर में और पहले दिन। आखिर में जब वज्र योगिनी आएगी तब आप उनसे वरदान मांग लें, और वरदान मांगने के बाद में उस वरदान से आप अच्छे अच्छे कार्य करेंगे तो वज्र योगिनी हमेशा आपकी सिद्धि को कायम रखेगी, बरकरार रखेगी, आप पर खुश रहेगी। और यदि सिद्धि का दुरुपयोग करोगे तो आप जानते ही हो। इसमें जो मंत्र आप काम में लोगे, देखिए मैंने सब कुछ बातें लगभग बता दी, पूजा की जो सामग्री वगैरह ये भी बता दी, हवन किस प्रकार से करेंगे वो भी बता देंगे, स्क्रीन पर आपको सारी सामग्री दे देंगे कि किस प्रकार से कौन सी चीजों से आप हवन करेंगे, हवन में कौन सी चीजें काम आएगी। और अब इसमें आपको जो मंत्र काम में लेना है वो मंत्र मैं आपको बताता हूं। मंत्र है ओम वम वम ह्रीम क्रीम वज्र योगिनी वम वम स्वाहा, ओम वम वम ह्रीम क्रीम वज्र योगिनी वम वम स्वाहा। इस मंत्र का जाप करके आप वज्र योगिनी माता को प्रकट कर सकते हो, और उनको प्रकट करने के बाद में शमशान के तामसिक जितनी भी शक्तियां हैं तत्काल उनसे जुड़ सकते हो, तुरंत आपका कनेक्शन हो जाएगा। फिर आप किसी भी शक्ति को याद करोगे, शक्ति आपको तुरंत दर्शन देगी, बाकायदा प्रत्यक्षकरण होगा, चाहे वो मसान की साधनाएं हो, मसान जागरण की हो, और मसान की बहुत सारी साधनाएं होती है, वो सारी साधनाएं आप कर सकते हो और आराम से कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। साधना में सुरक्षा घेरा अनिवार्य, मैं फिर कह देता हूं, इस प्रकार से आप साधना कीजिएगा तो आपको सफल प्राप्त होंगे, आपको देवी के दर्शन होंगे और वरदान की प्राप्ति होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो मेरे दोनों वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।